परफेक्ट मर्डर, जिसे सुलझाने में यूपी पुलिस को इस मौसम में भी पसीने छूटने लगे। लेकिन कातिल की एक गलती से न सिर्फ 6 दिनों की कोशिश के बाद यह केस सुलझ सका, बल्कि पुलिस ने इस मर्डर केस के पीछे छुपे हुए असली किरदारों का चेहरा भी बेनकाब कर दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है इसी साल दिवाली वाली रात से। लखनऊ के मानस नगर के रहने वाले पुलिस इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह अपनी पत्नी भावना और 10 साल की छोटी सी बेटी के साथ राजाजी पुरम में एक रिश्तेदार के घर दिवाली मनाने गए थे। माहौल बेहद खुशगवार था, लेकिन दिवाली सेलिब्रेशन के बीच ही देर रात भावना की तबीयत कुछ ऐसी बिगड़ी कि उसके लिए अपने रिश्तेदार के घर में एक पल भी रुकना मुश्किल होने लगा। लिहाजा इंस्पेक्टर सतीश अपनी पत्नी और बेटी को साथ लेकर वापस मानस नगर के लिए निकल पड़े। लेकिन रात करीब 2 बजे के आसपास जैसे ही गाड़ी मानस नगर में घर के बाहर रुकी और इंस्पेक्टर सतीश घर का गेट खोलने के लिए गाड़ी से नीचे उतरे, अचानक एक के बाद एक कई गोलियों की आवाजें सुनाई पड़ी और इंस्पेक्टर सतीश खून से लथपथ होकर अपने घर की दहलीज पर लुढ़क गए। पहले तो कार में सो रही भावना और उनकी बच्ची को इस वारदात के बारे में कुछ नहीं पता चला, लेकिन जब एक के बाद एक आखिरी गोली की आवाज भावना के कानों में पड़ी तो उसने गाड़ी के बाहर जाकर देखा तो पाया कि उसके पति इंस्पेक्टर सतीश जमीन पर पड़े हुए हैं। इसी दौरान भावना की नजर गाड़ी की बगल में तेजी से भागते हुए हुडी पहने हुए एक शख्स पर भी पड़ी। भावना ने फौरन गाड़ी से उतरकर पति को संभालने की कोशिश की, लेकिन उनकी हालत देखकर घबरा गई। उसने तुरंत पुलिस को इत्तला दी। आनन फानन में मौके पर पहुंची हुई PCR और कृष्णा नगर थाने की टीम ने सतीश को उठाकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जब तक उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता तब तक उनकी जान जा चुकी थी। क्योंकि मामला कत्ल का था, पुलिस मामले की खबर मिलने के साथ ही छानबीन करनी शुरू कर चुकी थी। इस छानबीन के दौरान पुलिस को कई चौंकाने वाली बातों का पता चला। खुद इंस्पेक्टर सतीश की पत्नी भावना ने उनके बारे में कई अजीब बातें बताई। भावना ने कहा कि उनके पति सतीश बहुत ही आशिक मिजाज किस्म के इंसान थे और शादीशुदा व बाल बच्चेदार होने के बावजूद उनके न सिर्फ कई लड़कियों से रिश्ते थे, बल्कि कई बार सतीश उनके साथ घर में भी आते थे। दूसरी ओर पुलिस ने जब इंस्पेक्टर सतीश की क्रेटा कार की तलाशी ली तो यह देखकर हैरान रह गई कि उसमें खुफिया तरीके से एक GPS ट्रैकिंग डिवाइस भी लगाया गया था, जिससे कार की लोकेशन पता चल सके। पुलिस ने जब इस GPS ट्रैकिंग डिवाइस के सोर्स का पता किया तो देखकर हैरान रह गई कि GPS की लॉगिंग सतीश की पत्नी भावना के भाई देवेंद्र के मोबाइल फोन की थी। तफ्तीश में सतीश के साले देवेंद्र का नाम आने के बाद आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती पूछताछ में उसने तमाम इल्जामों से इनकार किया, लेकिन जब उसका सबूतों से सामना करवाया गया तो उसके पास जुर्म कबूल करने के सिवाय कोई चारा नहीं था। लेकिन कहानी इतनी भर रही थी। कत्ल की इस वारदात में खुद सतीश की पत्नी यानी देवेंद्र की बहन भावना भी शामिल थी, जो अपने पति की हरकतों और इन हरकतों की वजह से घर में रोज रोज होने वाले झगड़ों से परेशान थी। असल में इंस्पेक्टर सतीश की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन 10 सालों से ही उसका रिलेशन अलग अलग लड़कियों से चल रहा था, जिसे देखकर पति पत्नी के बीच लड़ाइयां होती रहती थी। अपनी बहन की इस परेशानी से देवेंद्र भी अक्सर बेचैन रहता था। फिर देवेंद्र और भावना ने मिलकर सतीश की हत्या करने का फैसला कर लिया। करीब 2.5 महीने पहले उन्होंने इस आइडिया। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।